हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड आज के इस वीडियो में फ्रेंड आपको सिखाने वाला हूँ कि 26 हैमर ड्रिल मशीन के स्विच को जो है फ्रेंड आप किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड फिर मेरी शॉप पे यहाँ पर जो है कि एक ड्रिल मशीन आई है 26 की फ्रेंड, जिसमें जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ्रेंड स्विच जो है कई कई बार वर्क करता है, फ्रेंड कई बार जो कि फ्रेंड वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। किस प्रकार से फ्रेंड जो है कि हम स्विच को रिपेयर कर सकते हैं, फ्रेंड उसमें क्या क्या रिपेयरिंग का कंपोनेंट रहता है, स्विच के किस पार्ट्स को हम रिपेयर कर सकते हैं, फ्रेंड किस पार्ट्स को रिपेयर नहीं कर सकते, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं। फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय वीजियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। ओके फ्रेंड, तो आइए आज का वीडियो जो है कि हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 26 का हैमर ड्रिल मशीन है फ्रेंड, जिसका जो कि स्विच कभी तो काम वर्क कर रहा है फ्रेंड, कभी जो इसका स्विच है जो कि फ्रेंड वर्क नहीं कर पा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो कि हम इस स्विच को रिपेयर करने वाले फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ कभी स्विच लैंप जल रहा है फ्रेंड, कभी नहीं जल रहा, तो इसी प्रकार से इसमें प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड। फ्रेंड इस स्विच को जो है कि हम जिसमें रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड, इसका हम स्विच नया नहीं डालने वाले, क्योंकि इस टाइप के स्विच को फ्रेंड जो है कि रिपेयर किया जा सकता है फ्रेंड, जो कि बिल्कुल ही वर्क में है फ्रेंड। इसमें सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम है फ्रेंड, जिसको हम खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड जो है कि हम बैक पैनल जो खोल लेना है मशीन का फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक स्क्रू मिल जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे यहाँ से आपको एक स्क्रू खोल लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे दो स्क्रू जो है कि नीचे के साइड दिए गए होते हैं फ्रेंड, आप वहाँ से भी जो है कि उन दोनों स्क्रू को भी खोल लीजिए। बहुत आसानी से फ्रेंड जो है कि हमारे स्क्रू खुल जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे दोनों पेचों को भी हम खोल लेते हैं फ्रेंड, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं फ्रेंड, बहुत आसानी से खुल जाएगा। उसके बाद में हल्का सा फ्रेंड जब आप इसको पीछे कर पुश करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत आसानी से खुल जाएगा। जब तक हमारा ढक्कन खुल रहा है फ्रेंड, तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय वीजियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो काफ़ी काम लायक होने वाली फ्रेंड आपके। तो फ्रेंड जो आपको इस प्रकार से फ्रेंड इसका पीछे का ढक्कन जो है कि फ्रेंड खोल लेना है फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पर जो है कि हमको स्विच को ऊपर तोकना, तो हल्का सा हमें से रिवर्स जो स्विच है फ्रेंड, इसको बैक या लेफ्ट या राइट में घुमा लेना है, जिससे कि हमारा स्विच जो है कि आसानी से खुल जाए। यानी कि फ्रेंड जो है कि स्विच को थोड़ा सा हमको रिवर्स में लेना, यानी कि इस डिल्ले को थोड़ा सा कम घुमाएंगे फ्रेंड, बहुत आसानी से जो है कि हमारा ये ऊपर की ओर आ जाएगा फ्रेंड। आपको स्विच की दोनों लीडों को बाहर निकाल लेना है फ्रेंड, इस प्रकार से जो कि दोनों लीडों भी बहुत आसानी से बाहर निकल जाए। उसके बाद मशीन को हम अलग रख दें फ्रेंड। यहाँ पे जो है कि मेन पावर की डोरी भी जो है कि कस्टमर के हाथ से खींच गए थे फ्रेंड, ये भी जो कि वायर इसके बिखर गए, हम इसको भी इसमें नया इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें जो सेफ्टी क्लिप लगा होता है, इसको सेफ्टी क्लिप को हम खोल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे स्विच के साथ में दो पेच लगे हुए फ्रेंड, इन दो पेचों को भी यानी कि दोनों स्क्रू को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे फ्रेंड, बहुत आसानी से जो कि रिमूव हो जाएंगे फ्रेंड। फिर यहाँ पे जो है कि आपको स्विच खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर उसका भी मैं आपको एक बेस्ट तरीका देख सिखाऊंगा फ्रेंड, जिससे कि आप स्विच को बहुत आसानी से खोल लोगे फिर बिना किसी नुकसान के फ्रेंड। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्विच में इस प्रकार की जो कि टायर बनी होती है फिर, तो आप हल्का सा पहले इन सब टायरों को पेच कर से किसी भी तीखी चोच की सहायता से इनको ऊपर की तोक दें, इस प्रकार से आप हल्का सा ऊपर तोके फिर, ज़्यादा नहीं तोकना, नहीं तो फिर ये डैमेज होकर टूट भी सकती है फिर। तो हल्का हल्का सा आपको इन सभी लोगों को हल्का हल्का 4-5 इसमें लाख होते हैं फ्रेंड, कई कई में 6-7 भी हो जाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप जो इनको बहुत ही आसानी से फ्रेंड जो इन सभी लाखों को फ्रेंड जो है कि आपको ऊपर की ओर तोक लेना है फ्रेंड। उसके बाद में हल्का सा पेचकस इसके अंदर के साइड में लगाएंगे फ्रेंड, पेचकस ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना फ्रेंड, नहीं तो फ्रेंड इसमें जो है कि अंदर एक कैपेसिटर वगैरह इसमें लगा हुआ रहता है फ्रेंड, वो डैमेज हो सकता है, इसमें कुछ रबड़ की स्प्रिंग वगैरह सब कुछ रहती है फ्रेंड। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से फ्रेंड जो है कि हमारा ये निकल गया फ्रेंड। तो फ्रेंड जो है कि ऊपर वाले स्विच में जो है कि फ्रेंड ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं, फिर हल्का सा इसमें से हम सफाई करेंगे फ्रेंड। हमारे जो रिपेयरिंग का जो कंपोनेंट है वो सारे नीचे वाले में फ्रेंड, ये हमारी जो है कि अलग से कैपेसिटर फ्रेंड, कहीं पर जो है कि वोल्टेज कम ज़्यादा रिमूव होता है फ्रेंड, तो वहाँ पर जो है कि हमारी मशीन का जो है कि पावर देने का काम करता है, जिससे कि हमारी मशीन जो है कि हमें बेहतरीन सर्विस दे सके फ्रेंड, तो ये कंपनी की ओर से दिया जाता है फ्रेंड। तो फिर यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं कि स्विच को भी हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे फिर, इसके स्प्रिंग वगैरह ठीक है। फिर यहाँ पे जो कि हम आपको सिखाने वाले हैं वो भी बिल्कुल, फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए फिर जो कि यहाँ पे जो दो पत्तियाँ दी गई है फिर वहाँ ले जाने के आने पर यहाँ पे काली जो कि यहाँ पे जो बिंदी लगी हुई फिर, ये इसमें मेन पत्ती फिर जो कि है वहाँ पर, ये इसमें दिक्कत दे रही है फिर, जिससे कि ये वर्क नहीं कर पा रही है फिर। तो हल्का सा फिर जो है कि हम उसकी सफाई वगैरह कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड जो है कि आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, थोड़ा सा हल्का सा उसमें जो है कि
आपको इसमें जो है कि थोड़ा सफाई करके फिर उसको स्टोर करना है। पहले फिर जो है कि हम जो हमारे पास जो छोटा कैपेसिटर निकला है फ्रेंड, जो कि हम इसे वहीं से उसी प्रकार से इंस्टॉल करना है फ्रेंड, जो कि दिक्कत ना फ्रेंड। अगर आप कैपेसिटर लगाने में थोड़ी दिक्कत आए तो फ्रेंड जो कि वहाँ पे कर सकते उसको भी सही कर सकते फ्रेंड। तो यहाँ पे जो कि आप ये पत्ती देख सकते हैं, इस पत्ती में फ्रेंड जो कि आपको ये इस पर दबाव नहीं बना पा रही, यानी कि फ्रेंड इसमें स्विच में उल्टा सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि जब हम स्विच को दबाएंगे तब इसका पॉइंट हटता है और उसका पॉइंट स्थाई लगा रहता है। यानी कि फ्रेंड जो कि इस पत्ती को फ्रेंड हल्का सा आगे की ओर खींचेंगे और पीछे से थोड़ा सा इसके मुंह को ऊपर की ओर टोक देंगे फ्रेंड, तो फिर इस प्रकार से फिर जो है कि आपको पत्ती को जो है कि पीछे से हल्का सा ऊपर की ओर टोकना है फ्रेंड। फिर इस पॉइंट को आपको हल्का सा नोच पिला दिया, फिर आपके पास जो भी तीखी चीज कोई पिलारो फ्रेंड उसकी सहायता से आपको हल्का सा ऊपर टोकना है फ्रेंड, जिस प्रकार से फिर जो है कि ऊपर की साइड में आ जाए। फिर आपको दोनों पत्तियों को टोकना है, उसके बाद में फिर ये स्प्रिंग जो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड इसको हम वापस से सेट करने वाले हैं फ्रेंड। यहाँ पर जो है कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एक जो है कि यहाँ पे ये रबर रिंग है फ्रेंड, इस रबर रिंग को फिर यहाँ की एक लोक खाँच होती है फिर उसमें इसको खपाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्रेंड जो है कि हमारा स्विच जो है कि तिरछा जाता है और अंदर में ही हमारा जो स्प्रिंग है वो बिखर जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ये रबर रिंग है फ्रेंड हमें इसमें बिठाना है फ्रेंड, तो फिर जल्दी से फिर जो कि हम इसे बिठा लेते हैं फ्रेंड। तो फिर मैंने स्प्रिंग में इसको बिठा लिया, उसके बाद में इसकी रबर रोक को भी मैंने अच्छे से सेव किया फ्रेंड। उसके बाद में फिर हमें स्प्रिंग डाल के इसमें एकदम प्रोफेशनली फिट करना है। तो फिर यहाँ पे जो रबर रिंग है फ्रेंड ये अंदर की ओर एकदम परफेक्टली सेट करना है फ्रेंड, ये बिल्कुल भी मिस नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड। अगर ये मिस रहेगी तो हमारा स्विच जब हम इस तरह अंदर दबाएंगे तो फ्रेंड जो है कि हमारा स्प्रिंग बाहर आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो है कि हम ऊपर से वापस इसके केप को लगाएंगे फिर थोड़ा सा स्विच को हम तिरछा करेंगे, नहीं तो फिर जो ऊपर का जो केप होता है फ्रेंड इसमें भी एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, उस पॉइंट को भी हमको अंदर स्विच की ओर लेना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्विच जो है कि एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है। उसके बाद में फ्रेंड ड्रिल मशीन से जो हमने लीडर निकाली थी फ्रेंड माइनस प्लस की दोनों लीडरों को फ्रेंड हम उसी प्रकार से वापस से लगा देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड जो कि स्विच अगर लगने में दिक्कत दे तो फ्रेंड वापस से आपको थोड़ा सा रिवर्स है फ्रेंड उसको घुमा देना है, नहीं तो फ्रेंड जो कि आपका स्विच वैसे ही लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फ्रेंड जो कि हमने मेन पावर की जो लीड है उसको भी सही कर लिया है फ्रेंड, उसको भी काट कर फ्रेंड उस प्रकार से फ्रेंड जो है कि अब हम उसको कहाँ पर खपा कर फ्रेंड जो है कि हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड हमारा स्विच जो एकदम फ्री चल रहा है, यानी कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग स्टेज के लिए रेडी फ्रेंड। हम इसको लाइट में लगा कर भी देखने वाले हैं कि फ्रेंड इसका वर्क कैसा है, इसका वर्क सही है या नहीं है फ्रेंड। फिर इस प्रकार से फ्रेंड जो है कि आपको इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड, एकदम प्रोफेशनल तरीके से फ्रेंड जो है कि ये इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड। फिर यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि अभी हमारा स्विच जो है कि सीरीज लैंप काफ़ी अच्छी तरह से जल रहा है फ्रेंड, यानी कि इसमें वर्क कर रहा है। फिर मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड जितनी बार हम स्विच को दबा रहे हैं उतनी ही बार जो है कि फिर हमारा लैंप जो है कि ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं, आइए फ्रेंड हम इसे चला कर भी देखने वाले, यानी कि हम इस लीड को जो कि मेन पावर में लगाते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि फिर ये किस प्रकार चल रही है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड अभी ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है कि बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रही है फ्रेंड। फिर वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना फ्रेंड। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।